फ्रेंड्स, आसोसम किचन में आपका स्वागत है। भिंडी हर किसी की फेवरेट होती है। अगर भिंडी को आप अलग अलग तरीके से हर हफ्ते बनाएं तो शायद भिंडी घर में सबकी पसंद बन जाएगा। आज मैं आपके लिए ऐसे ही भिंडी की आसान सी ट्रिक के साथ एक इजी और मजेदार रेसिपी लेके आई हूँ, जिससे बहुत से लोगों को तो भिंडी बनाने का जो मन नहीं करता है, क्योंकि वो ब्रेक हो जाती है, वो टूट जाती है बनाते समय, क्योंकि उसके अंदर जो उसका एक वेटनेस होती है, जो चिपचिपापन होता है, उसकी वजह से अक्सर भिंडी बहुत खराब भी लगती है। इस इजी भिंडी की सब्जी के लिए लगने वाले इंग्रेडिएंट हम देख लेते हैं। भिंडी फ्राई बनाने के लिए हमें चाहिए होगी 1/2 किलो भिंडी, जिसको मैंने धो के अच्छे से पोंछ के इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 1 बड़ा चम्मच लेंगे अमचूर पाउडर, 1 बड़ा चम्मच लेंगे लाल मिर्च पाउडर, 7 से 8 लहसुन की कलियां जिसको मैंने अच्छे से डैप कर दिया है, क्रश कर दिया है, और 1 हरी मिर्च जिसको मैंने स्ट्रिप्स कट में ऐसे छोटा छोटा काट लिया है। 2 मीडियम साइज के प्याज लेंगे जिसको हम थोड़ा सा फाइन चॉप करेंगे, नमक स्वाद अनुसार लेंगे। 1/4 चम्मच लेंगे हम यहाँ पे हल्दी। यहाँ लिया है मैंने चुटकी भर हींग, चुटकी भर अजवाइन, जीरा 1/2 चम्मच, और मगरेल के बीज भी मैंने 1/4 लिया है। सरसों का तेल यहाँ पर 4 बड़े चम्मच हम यूज करेंगे। सरसों के तेल में ही भिंडी बहुत अच्छी लगती है, आप इसको एक बार जरूर ट्राई करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये इजी भिंडी फ्राई रेसिपी। मैंने यहाँ पे एक नॉनस्टिक कढ़ाई ले ली है, आपके पास जो कढ़ाई हो जिसमें आप बनाना चाहते हैं आप वो ले सकते हैं। इसको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 4 बड़े चम्मच ये सरसों का तेल। इसमें लगती है भिंडी की सब्जी बहुत ही टेस्टी। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे जब तक इसमें धुआं ना उठ जाए। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, आप देख सकते हैं इसमें धुआं उठ रहा है हल्का हल्का। तो जैसे ही धुआं उठने लगे तो हम इसमें डाल देंगे जीरा, अजवाइन, हींग और कलौंजी। इसको अच्छे से हम तड़कने देंगे। जैसे जीरा और ये सब तड़कने लगेगा तो हम डाल देंगे लहसुन और मिर्च, चला लेंगे अच्छे से। आपको मीडियम हाई फ्लेम पे ही रखें। ये हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है, आंच को कर देंगे सिम पे। अब डाल देंगे इसमें हम ये हल्दी। हल्दी को हम बस ऐसे ही इसको कर लेंगे। प्याज डाल देंगे अब हम। प्याज की एक कच्ची जो स्मेल होती है वो जाने तक हम इसको सॉटे करेंगे सिर्फ 1 मिनट के लिए। अब इसमें ऐड कर लेंगे हमारी ये भिंडी, अच्छे से मिलाएंगे। एक मिनट हो गया है, आंच को हम कर लेंगे मीडियम टू हाई में, अच्छे से इसे चलाएंगे। अगर लो फ्लेम पे अगर आप भिंडी को फ्राई करते हैं या भिंडी को मिलाते हैं तो उसमें जो वेटनेस होती है वो बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाती है। अगर आप इसको मीडियम हाई फ्लेम पे स्टर करेंगे इस तरीके से इसको हिलाएंगे तो वो जो वेटनेस इसकी आती है वो जल्दी नहीं आएगी और ज़्यादा रिलीज नहीं होगी, क्योंकि भिंडी जो है वो डायरेक्ट पकने लग जाती है। फुल फ्लेम पे हम भिंडी को ऐसे ही 1 मिनट के लिए नीचे से फ्राई होने देंगे, फिर हम इसको 1 मिनट के बाद टर्न करेंगे। 1 मिनट हो गया है, अब हम इसको टर्न करेंगे, इसको फिर चलाएंगे। देखिए इसमें वेटनेस जो है वो बहुत कम कम हो रही है, रिलीज जो वेटनेस है ये बिल्कुल भी ना आए और भिंडी आपकी अच्छी सी क्रंची बने। तो इसके लिए आपको डालना पड़ेगा अमचूर पाउडर, नमक बिल्कुल भी नहीं डालना है आपने। मिलाएंगे अच्छे से अमचूर पाउडर को, इसे लगातार चलाते रहेंगे। देखिए वेटनेस कितनी जल्दी गायब हो गई इसमें। अब ये भिंडी बनेगी बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल वेटनेस इसमें चली गई है। तो अब हम इसमें डाल देंगे रेड चिली पाउडर, क्योंकि रेड चिली पाउडर अगर हम इसके गीलेपन में डालते तो ये सिर्फ एक ही जगह जाके इकट्ठी हो जाती है। तो हम इसको इस समय डालेंगे तो ये सब पे बराबर बराबर लगेंगे। अब इन सबको मिला देंगे। मैं इसको चलाते समय ये ध्यान रख रही हूँ कि मेरा जो हाथ है वो भिंडी पे बहुत ही सॉफ्ट पड़े, जिससे ये भिंडी ब्रेक ना हो।
को करेंगे मीडियम फ्लेम पे, मीडियम टू लो ये फ्लेम कर दिया है मैंने। अब कम से कम एक मिनट के लिए मैं इसको ढक के पकाऊंगी। एक मिनट हो गया है, पानी बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, इसे चलाएंगे अच्छे से। अब हम इसमें नमक डाल देंगे, क्योंकि इस स्टेज पर नमक डालेंगे तो भिंडी कंप्लीटली कुक हो जाएगी। अब दो मिनट के लिए मैं फिर से इसको ढक देती हूँ। दो मिनट हो गए हैं, हमें बस पानी का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें पानी ना जाने पाए। देखिए इतनी अच्छी तरीके से भिंडी हो चुकी है बिना कोई पीस टूटे हुए। भिंडी फ्राई बनके तैयार है। चलिए अब गैस ऑफ कर लेते हैं और एक मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि थोड़ी सी जो खुशबू है वो पूरे किचन में फैलनी चाहिए कि आज भिंडी फ्राई बनी है। फिर करते हैं हम इसकी प्रेजेंटेशन। तैयार है हमारी भिंडी फ्राई। कितनी इजी और आसान थी ये रेसिपी, आप एक बार इसको जरूर बना के देखिएगा। तो देखा आपने कितनी आसानी से ये भिंडी की सब्जी बन गई मजेदार और बहुत ही इजी। इस रेसिपी को आप बना के देखेंगे तो आपके जितने भी प्रॉब्लम्स भिंडी के साथ आते हैं वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। रेसिपी अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर करते रहिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको भिंडी की सब्जी में ये टिप्स कितने हेल्पफुल हुए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना और बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिए, क्योंकि इससे मेरे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच पाएंगे। मैं आशीष शुक्ला आपके लिए लेके आती रहती हूँ ऐसी ही इजी सिंपल रेसिपीज। आपके संग मिलती हूँ एक और ऐसी ही अमेजिंग और मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।